तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन जो हम टैली में यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आनंद मल्होत्रा बिजनेस स्टार्ट विद कैश। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो हमें क्या क्या करना होगा, पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास एक कंपनी बना हुआ है ऑलरेडी, हम अकाउंट इन्फो जाएंगे, इंटर किया हमने। और इंटर करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेज़र ऑप्शन होगा, इंटर करेंगे और क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें बनाना होगा, देखो कैश का ऑलरेडी बना होता है, हमें बनाना होगा कैपिटल का। ठीक है, तो हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट, और इसको हम बनाकर सेव कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया, एक लेज़र रेडी हो गया। ओके, अब देखो दूसरा लेज़र बनाते हैं, हमें बनाना है इक्विपमेंट का। ठीक है ना, और किसे खरीदते हैं, रोजा शॉप से। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं इक्विपमेंट यानी औजार, इक्विपमेंट, एंटर किया। ये देखो फिक्स एसेट्स है। ठीक है, इसको सेव कर लिया, और रोजा शॉप को बना लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो रोजा शॉप क्या हो जाएगी, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, वो देने वाला। ठीक है, जो देने वाला पार्टी होता है उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, इसको हम सेव कर लेंगे। इसके बाद दूसरा देखो, देखा कैश डिपॉजिटेड इनटू आर्यावर्त बैंक, तो एक हमें आर्यावर्त बैंक का बनाना पड़ेगा। हम तो हमें बना लेते हैं यहाँ पर आर्यावर्त बैंक, हम लिखा यहाँ पे आर्यावर्त बैंक। और इसको हम, इसका जो अंडर ग्रुप होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, अगर जैसा ग्रुप आप सेलेक्ट करोगे ना वैसा ही वर्क भी होगा। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता है। और आर्यावर्त बैंक हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल पूरा फिट कर देंगे। ठीक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच, और यहाँ पर सेट चेकबुक भी सेट कर सकते हैं कि चेकबुक का क्या प्रिंटिंग होगा, उसमें नंबर क्या होंगे, वो सब चीज़ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको हम सेव करते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या है कि अमाउंट ट्रांसफर टू सीताराम अकाउंट, सीताराम को ट्रांसफर किया गया पैसा। ओके, इसको देख लो ध्यान से, एक हम बनाएंगे क्या, यहाँ लिखा अमाउंट ट्रांसफर टू सीताराम अकाउंट, तो हम बना लेते हैं सीताराम का। ठीक है, लिखा सीताराम, सीताराम अकाउंट, और यहाँ पे पार्टी होगा रिसीव करने वाला, सेव कर लो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ें क्या हमारे पास होगा, नेक्स्ट टॉपिक की परचेस फ्रॉक। ठीक है ना, हम फ्रॉक परचेस कर रहे हैं सूर्यांश क्लॉथ से, तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे परचेस का। और जैसा कि बताया गया, पता होगा आपको कि परचेस अकाउंट का हम रखते हैं परचेस अकाउंट। ठीक है, तो सेम मैंने रख लिया। अब बनाएंगे हम सूर्यांश का, सूर्यांश क्लॉथ हाउस, और हम क्या करें, परचेस कर रहे हैं ना, तो ये देने वाला बंदा है संदिग्ध क्रेडिटर हो जाएगा, इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमने सूर्यांश क्लॉथ हाउस को बना लिया, कैश पेड टू सूर्यांश क्लॉथ हाउस एंड डिस्काउंट। देखो अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट का एक बनाना पड़ेगा। एक चीज़ और ख्याल रखो, हम जब डिस्काउंट बनाते हैं ना, डिस्काउंट अगर एक बार रिसीव हुआ, एक बार पेमेंट हुआ, ठीक है, तो उसको कोई टेंशन नहीं। अगर इस बार क्या कर रहे हो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन ये कह रहा है डिस्काउंट रिसीव यानी इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है। ओके, तो यहाँ बना लीजिए साहब इनडायरेक्ट इनकम, उसको सेव कर लीजिए, हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, परचेस ट्राउजर शुभम शोरूम, एक बना लीजिए शुभम शोरूम का अकाउंट। ठीक है, हमने बनाया शुभम शोरूम, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर लेंगे इसको क्या, खरीद रहे हैं ना, तो सिंडिकेट हो जाएगा, उसका डिटेल फिट कर देंगे। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे और चीज़ होंगी, अमाउंट पेड शुभम शोरूम को दिया गया चेक के माध्यम से, और परचेस सूरज कम्युनिकेशन। देखो अब कंप्यूटर परचेस किया जा रहा है सूरज कम्युनिकेशन से ना, ठीक है, तो इसको बना लो, क्या बनाओगे आप, कंप्यूटर एसेट्स है, तो ये बना लो फिक्स एसेट्स। अब ये बार बार जो अंडर ग्रुप बार बार आ रहा है, इस चीज़ को ना आप सेक्शन, मैंने एक अलग सा सेशन बना के रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, तब ये आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, कंप्यूटर हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं और कुछ क्या खरीद रहे हैं, देख लेते हैं। तो हम कंप्यूटर खरीद रहे थे किससे, यहाँ पर है ना, जो 10 नंबर का दिख रहा है आपको, सूरज कम्युनिकेशन से, तो सूरज कम्युनिकेशन बना लेते हैं, सूरज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहाँ क्या करेंगे, हम सन्ड्री खरीद रहे हैं, तो सिंडिकेटर वो देने वाला बंदा है, ठीक है ना, इसलिए सिंडिकेटर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा,
सोल्ड फ्रॉक कॉमर्स शॉप। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमें दो ही लेजर बनाना होगा, एक बनाएंगे सेल्स का, सेल्स अकाउंट, और सेल्स का क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा यहाँ पर। एक बनाएंगे हम कोमल शॉप का, कोमल शॉप। देखो यहाँ क्या करें, सेल करें ना, तो सेल करने क्या होगा, वो बंद जो पार्टी है वो रिसीव करने वाली है, उसको बोलेंगे सन्डी डेप्टर। ठीक है, सन्डी क्रेडिटर डेप्टर समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो जाओ। देखिए जब सेल करेंगे ना तो सन्डी डेप्टर हो जाएगा, जब परचेज करेंगे तो सन्डी क्रेडिटर हो जाएगा, इस तरीके भी समझ लो। ओके, अब देखो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर, सोल्ड फ्रॉक टू रजत शॉप। सेल का एक बार बना दिए तो रिपीटिंग में बनाने की जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे पार्टी का नाम रजत शॉप। ठीक है, सन्डी डेप्टर हो जाएगा यहाँ पर, सेव किया। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कोमल शॉप हाउस एंड डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट कैलरी बना चुके हैं, कोमल कैलरी बना ही है। ठीक है, अब बनाएंगे हम सैलरी का। ठीक है, यहाँ लिखा है सैलरी पे टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ लोग को सैलरी पे किया गया। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ख्याल रखना ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये नॉमिनल के अकॉर्डिंग बना लिया इसको। और इसके बाद क्या बनाएंगे, लिखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो अब लिखा है चैरिटी पे टू सेवानंद आश्रम बाय चेक। तो आप चैरिटी पे कर रहे हो तो चैरिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो नॉमिनल के अकॉर्डिंग है ना, पे करो तो आपको आपके लिए खर्च होगा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर सीधा सीधा चैरिटी। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे चैरिटी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, सेव कर लो इसको। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला क्या जाएगा, शिवानंद आश्रम को दे रहे हैं ना, देखो यहाँ पर शिवानंद आश्रम की बात होगी और चेक की बात होगी। ठीक है, इसको हम बाद में समझ लेंगे। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी बिजली बिल पे कर रहे हो तो उसको भी बना लो, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना, आपने बनाया, यहाँ पर बना लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेव कर लो इसको। ओके, सेव करने के बाद बैक जाओ और अकाउंटिंग मॉड्यूल चले जाओ, इंटर किया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। अगर आपके पास नया टैली होगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, F12 प्रेस करो। यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये जो आपको दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन, ठीक है, यूज सिंगल एंट्री मोड वाला ऑप्शन, ये ना, इसे क्या करना है आपको, इसको करना है नो। ठीक है, इसको नो कर दो, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे नो। ठीक है, सो आप इसको नो कर लो। नो करने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ होगा, डेबिट क्रेडिट को यस कर लो। ठीक है, इसको सेव कर लेना। ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। दो कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होगा, एक बार बैक जाओ और फिर अकाउंटिंग वाउचर को ओपन कर लो। ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगा आप क्या करना, आप सारी एंट्री कर लो। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ये था आनंद मल्होत्रा वाला। ठीक है, इसको सेम हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। अभी F6 में जाएंगे, यानी रिसीव वाउचर, और यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो पूछेगा वही हम देंगे ना, यहाँ लिखा क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले कैपिटल, कितने से कर रहे थे हम, 5 लाख से, दिखना चाहते हो देख लो, यानी 5 लाख से आप काम कर रहे हो। ठीक है, हमने लिखा 5 लाख। ओके, इंटर करोगे, इंटर किया। अब डेबिट की बात हो रही है ना, तो मैंने बताया था कि एक संपत्ति आ रही है, एक संपत्ति जा रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब नरेशन लिख दो यहाँ पे अच्छे से, ये डिक्लेयर करेगा कि आपके बाउचर में क्या हुआ है, आपको समझा देगा। बींग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, इसको सेव कर लो, ये एक बन चुका बाउचर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कि परचेस इक्विपमेंट फॉर कैश, नगद सामान खरीदा जा रहा है रोजे शॉप से। ठीक है, तो आपको जाना क्या है, कि बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस है तो F7 करो। ठीक है, क्या खरीद रहे हो, इक्विपमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्विपमेंट, और कितने से खरीद रहे हैं देखना चाहते हो, देख लो यहाँ पे 20,000 का सामान खरीदो, हमने लिखा 20,000, इंटर करोगे। अब सुनो ध्यान से, और क्रेडिट किससे, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, रोजा शॉप से खरीद रहे हो ना, तो आपने क्या सेलेक्ट किया, रोजा शॉप, इंटर किया, सेव कर लो। लिखो यहाँ पे बींग एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसको करके सेव कर लो, बन चुका। और अब क्या करना है हमें, देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखना हमें, यानी कि कैश डिपॉजिट इनटू आर्यावर्त बैंक, यानी आपको आर्यावर्त बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, F4 यूज़ करोगे, बैंक वाला वाउचर, और देखो यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है तो कैश के माध्यम से,
तो आपके पास क्या है, 5 लाख है ना, तो 5 लाख में से आपको कितना डिपॉजिट करना है, आपको डिपॉजिट करना है 25,000, ठीक है। तो क्या होगा, 25,000 इसमें से घट जाएगा, हम लेगा 25,000, एंटर करेंगे, देखो ऑटोमेटिक 4,75,000 रुपये बचा, एंटर करो और आप 25,000 इसमें बैंक में डाल दिया आपने। और यहाँ पे देखो एक चीज़ ख्याल रखना, यहाँ पे आपसे आपसे पूछेगा ऑप्शन कि आप कैसे कर रहे हो, आपने ई फंड किया, चेक के माध्यम से पे किया, कैश के माध्यम से, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हमें कैश के माध्यम डिपॉजिट किया, ठीक है। अब यहाँ से पूछता कि 2,000 के सिक्के, 2,000 का नोट था, 1,000 का, ये सब फीड करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। सेव करने के बाद अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट ट्रांसफर टू सीताराम अकाउंट, सीताराम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो एफ इसी में हम करेंगे काम, और कितना ट्रांसफर किया गया, देखो यहाँ ट्रांसफर किया गया 10,000 रुपये, ठीक है। तो आप समझना क्या करना है हमें, तो सीताराम का अकाउंट होगा ना, यानी उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे आर्यावर्त बैंक में पैसा है, हम उनको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो आप समझना ध्यान से, क्या आर्यावर्त बैंक से कितना 10,000 जाएगा, तो देखो यहाँ 25,000 हमारे पास है ना, तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा पैसा, एंटर किया, चेक के माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हो तो चेक के माध्यम से ट्रांसफर कर लो सीधा सीधा, देखो घट गया ना 15,000 बचा, ठीक है। किस बैंक में दे रहे हो, यहाँ पर अलगसा सी करो, उनका अकाउंट हो सकता है सीताराम का, तो आपने एक बना लिया, मान लीजिए उनका अकाउंट था SBI का, ठीक है, क्योंकि पैसा जब ट्रांसफर करोगे तो बैंक टू बैंक ही करोगे ना, ठीक है। हमने यहाँ पे बैंक ले लिया, और देखो यहाँ पे अकाउंट नंबर सीताराम का डाल दोगे, ठीक है ना, यहाँ पे उनका डिटेल डालोगे वगैरह वगैरह, ठीक है, एंटर करो और सेव कर लेना। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा हमने कर दिया 10,000, यहाँ लिखो बीइंग ट्रांसफर अमाउंट, ठीक है, सेव कर लो, सॉरी यहाँ पे देखो, अगर अब मैं सही करना किसको गया पैसा ये तो पता नहीं किया, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, बैक जाओगे, ठीक है। आप क्या करो, डबल डी प्रेस करोगे, डेबुक आ जाएगा, और आप कहाँ जाओगे, इसके बाद हम जाएंगे कॉन्ट्रा में, ठीक है ना, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिक्लेरेशन सही से नहीं किया हुआ, ठीक है। एंटर करो, और इस डिक्लेरेशन में हमको सही करना होगा किसको दिया पैसा, टू सीताराम, ओके ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा, अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो बाद में प्रिंट करके हार्ड कॉपी में देखोगे किसको दिया पैसा पता नहीं चलेगा, ठीक है, ख्याल रखना, इसको सेव कर लो। कभी भी काम कर लो, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो अल्टर करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, या डेबुक ओपन करके, ये दिख रहा है आपको डिस्प्ले वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसी ऑप्शन पे जा करके आप जैसे डबल डी प्रेस करोगे आ जाएगा, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंटर किया हमने, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, परचेस फ्रॉक 12,000 का सूर्यांश क्लॉथ से खरीदा, समझ लो इसको, हमें जाना F9 में, और यहाँ पे ये ऐसा मोड दिख रहा है, आइटम वाला मोड, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। चलो बिल नंबर देते हैं 1-2 दिसंबर पे हम काम कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, क्या खरीद रहे हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, पढ़ लो एक बार, परचेस फ्रॉक सूर्यांश क्लॉथ, ठीक है ना, तो कितना से खरीद रहे हो वो भी देखो, हम खरीद रहे हैं 12,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा साहब, यहाँ पे हो जाएगा सूर्यांश, सूर्यांश दे रहा है ना, तो हमने ले लिया, अच्छा एक मिनट, सूर्यांश हमने नहीं बनाया था क्या, ओके एक मिनट, परचेस क्लॉथ हाउस, देखो अभी मान लो हम मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमने फील नहीं किया, तो हम अल्ट्रा सी कर सकते हैं यहीं पे, ठीक है ना, अल्ट्रा सी करेंगे, हम बना लेंगे सूर्यांश का क्लॉथ शॉप, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि खरीद रहे हैं ना, बन गया, ओके जब भी कभी बनाना हो तो अल्ट्रा सी करके बना सकते हो। 12,000 किया, एंटर किया, न्यू रेफरेंस करो, और यहाँ पे क्या होगा, परचेस, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ लिख दो बीइंग परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, इसको सेव कर लो, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है कि कैश पे टू सूर्यांश क्लॉथ हाउस एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम कहेंगे F5 करेंगे सीधा सीधा, हमने F5 प्रेस किया, सूर्यांश से माल खरीदा तो सूर्यांश को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, कितना देना होगा वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, देखो ये 12,000 दिख रहा है, ठीक है, तो हमने लिखा 12,000, और आप समझे कुछ और चीज़, एंटर करो, अगेंस्ट यहाँ पे होगा,
यहाँ पे क्या चीज़ है कि कैश पे कर रहे हो तो एक संपत्ति जा रही है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो डिस्काउंट किसका एग्जांपल है, नॉमिनल का, और नॉमिनल के अकॉर्डिंग कहते हैं कि सब अगर रिसीव करोगे, ठीक है, पैसा आप दे रहे हो तो डिस्काउंट आप ही को मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या जाएगा, इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, आपको लाभ होगा तो इसको क्रेडिट में रखेंगे हम, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्काउंट ओपन किया, कितना देखो 4% है ना, 4% कितना निकलेगा, अगर आपको मैथ नहीं आती कोई बात नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं, कंट्रोल आप एन प्रेस करो, यहाँ लिखो 12,000, ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस करोगे, देखो 12,000 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100, एंटर करो, देखो आ गया 480 रुपये। अब कंट्रोल एम से इसको बंद कर लो, ठीक है, यहाँ लिखो 480 रुपये, एंटर करो, देखो यहाँ पे सेलेक्ट करो कैश, देखो बहुत इजी काम करना टैली में, ठीक है, यानी क्या 11,520 रुपये टोटल मिला, ठीक है ना। ये लिखो अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव 4%, क्लियर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि परचेस ट्राउजर फ्रॉम शुभम शोरूम, शुभम शोरूम से 25,000 का सामान खरीदा, ठीक है ना। अब देखो ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि समझना होगा, बेसिक समझ लोगे ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। शुभम से हम खरीदें 25,000 का सामान, और सामान का नाम भी इम्पोर्टेंट होगा ना, कहोगे सामान कहाँ गया, तो सामान का नाम भी इम्पोर्टेंट होता है, आपको सामान का नाम देना ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं F9 की, अपने कंट्रोल वी करोगे सिंगल मोड के लिए बिल नंबर 2, और हम कैसे खरीदें, हम खरीद रहे हैं शुभम शोरूम से, है ना, तो हमने लिखा शुभम शोरूम, एंटर, एंटर करेंगे हम। आप कितने से खरीद रहे हैं वो भी देख लो, 25,000 से, एंटर किया, न्यू रेफरेंसेस, यहाँ पे परचेस कर लो, तो यहाँ देखो आइटम के लिए पूछ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, जब हम यहाँ पर बैग गए थे ना, ठीक है, तो हमने स्टॉक आइटम ही बना लिया था। ये कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा फिर से एक बार, ठीक है ना, एक बार और सामान हम खरीदेंगे वहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम खरीद रहे थे सामान, ठीक है ना, और सामान क्या था हमारे पास, हमारे पास सामान था, देखो एक चीज सामान का नाम भी दे देंगे ना, ट्राउज़र खरीद रहे हैं, तो हमने क्या किया परचेस सेलेक्ट किया। अब पूछ रहा है आइटम का नाम, तो अल्ट के साथ सी करके बना भी सकते हैं, या स्पेस प्रेस करो अगर ऑलरेडी आपके पास है तो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे पूछता है कि अमाउंट कितना, जैसे इसको ट्रांसफर करोगे 25,000 का पूरा पूरा ट्राउजर ही खरीदा गया, इसको सेव कर लो, लिखो यहाँ पे बीइंग परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक हो, सामान का नाम भी आ गया यहाँ पे ट्राउजर, सेव कर लो इसको। सेव करने के बाद अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट पे टू शुभम शोरूम बाय चेक, इसको पे कर रहे हैं तो F5 पे जाएंगे और शुभम शोरूम ले लिया, यहाँ पे एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है 25,000 रुपये, यहाँ लिखो 25,000, ठीक है, एंटर किया, अगेंस्ट बैलेंस करो, देखो यहाँ 25,000 दिख जाएगा, पेंडिंग बैलेंस दिख जाएगा यहाँ पर ना, एंटर करो। और एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या, आप बैंक के माध्यम से कर रहे हो तो आपने सेलेक्ट किया बैंक, यानी आर्यावत बैंक के पास आपके पास था पैसा, ओके, देखो आपके आर्यावत बैंक में कितना पैसा था, 25,000 ट्रांसफर किया था, 10,000 उधर दे दिया था ना, ठीक है, तो ख्याल रखना कोई दिक्कत नहीं। ये जो रेड बैलेंस दिखता है कि ये बता रहा है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है, इसका टेंशन मत लेना, ऑलरेडी आपके पास पैसा रहेगा तभी आप काम करेंगे ना, ओके। लिखा बीइंग, यहाँ लिख दो बीइंग अमाउंट पे पेड, सेव करो इसको। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट पे टू शुभम शोरूम, ये तो हो गया हमारे पास चेक के माध्यम से पेमेंट कर दिया। अब बात करें परचेस कंप्यूटर फ्रॉम सूरज कम्युनिकेशन, सूरज कम्युनिकेशन से आप देखो ये हमारे गुड्स से अलर्टेड है ना, यानी हमारे बिजनेस से अलग है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे F7 में, हमने प्रेस किया F7 और हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे क्या खरीद रहे थे, हम खरीद रहे थे कंप्यूटर, तो हमें सेलेक्ट करना हुआ कंप्यूटर, कितने का खरीद रहे हैं वो अमाउंट देख लो, अमाउंट हम खरीद रहे थे, एक मिनट, हम हम 30,000 का सामान खरीद रहे हैं, तो हमने दिया 30,000, एंटर किया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम क्रेडिट या किससे खरीद रहे हैं, तो वो उनका लिख देते हैं ना, सूरज कम्युनिकेशन, हमने लिखा सूरज कम्युनिकेशन, एंटर किया और इसको हम सेव कर लेंगे।
लिखेंगे बींग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सेव कर लो उसको, ठीक है। सेव करने के बाद इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्ड फ्रॉक टू कॉमन शॉप, कॉमन शॉप को फ्रॉक सेल किया गया, ठीक है। तो अगर सेल कैसे करोगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारे बिजनेस रिलेटेड है, हम प्रेस करेंगे F8 और कंट्रोल V प्रेस करेंगे सिंगल मोड के लिए बिल नंबर 3। और यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको बेच रहे हैं कॉमन शॉप को, तो यहाँ पे देखो डेबिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे K प्रेस करो क्यों कॉमन शॉप आ जाएंगी। और कितने का सामान बेच रहे हो साहब, यहाँ बेच रहे 16,000 का, ठीक है ना, एंटर किया। और हमारे पास सेल वाला ऑप्शन है, देखो यहाँ पे जो आइटम आपके पास है ना, क्या बेच रहे हो, फ्रॉक, तो अलग से सी करके देखो बना सकते हो, यहाँ पे लिख दो फ्रॉक, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है कि पीस वीस की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, अमाउंट दे सकते हो, यहाँ पे इंटर करो, देखो यहाँ पे टोटल आप खरीद रहे हो 16,000 का, आपने इंटर करके सेव कर लिया। देखो बींग यहाँ लिखते थे आप सोल्ड आइटम टू कोमल ऑन क्रेडिट, ठीक है, इसको सेव कर लो, बन गया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे सोल्ड फ्रॉक रजत शॉप, यानी रजत शॉप को 3200 का सामान बेचा गया, तो आपने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, बिल नंबर 4 रजत शॉप को बेचा गया, तो रजत को सिलेक्ट किया, सॉरी रजत शॉप है, ठीक है, इंटरप्रेस किया, कितने के बजे बेचा, 3200 रुपये, इंटर किया, सेल किया आपने, ठीक है। कौन सा सामान से सेलेक्ट किया, तो वो सेल हमने क्या किया, फ्रॉक, तो देखते हैं फ्रॉक हमारे पास है, तो अपने फ्रॉक को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अमाउंट कितना साहब, 3200, तो यहाँ पे 3200 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। यानी इसके लिए ये होता है ना कि हम सामान खरीद रहे हैं, कुछ ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, फ्रॉक ट्राउजर एक साथ खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। हमने 3200 किया, देखते हैं बींग सोल्ड आइटम ऑन क्रेडिट, मतलब अभी पैसा नहीं दिया गया या लिया गया, सेव कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कोमल शॉप हाउस फुल सेटलमेंट, यानी रिसीव किया, इनको सामान बेचा था आपने, तो इनसे रिसीव कर रहे हैं और डिस्काउंट आप दे रहे हैं 2%, ठीक है। तो आपने क्या किया, F6 में जाओगे आप, ठीक है ना, तो किससे लेना है, हमें लेना है कोमल शॉप से, ठीक है। तो हमने प्रेस किया कोमल, कितना लेना है, 16,000 बचा इनके पास, तो हमने इंटर किया, जितना अमाउंट लेना होगा हम ले लेंगे, ठीक है। और किस माध्यम से, माध्यम हमारे पास क्या है, कैश माध्यम है, ठीक है, तो हमने सेलेक्ट किया कैश, और डिस्काउंट भी तो है यहाँ पर, तो हम सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट, ठीक है, इंटर किया, कितना, अगर देखो 2% निकालना है हमें ना पूरे अमाउंट का, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, ठीक है। और हमने लिखा क्या, 16,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 100, एंटर करो, तो कितना आएगा, 320 रुपये, कंट्रोल एम से बंद कर लो, यानी लिखो 320 रुपये, ओके 320 लिखा, इंटर किया, और यहाँ पे कैश बना दो, कैश बनाने के बाद इसको सेव कर लो, लिखो बींग, लिख दो यहाँ पे फुल सेटलमेंट, ओके। इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको बैक करो, बैक करने के बाद और भी क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को सैलरी पे किया, तो आप क्या करोगे, F5 करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, सैलरी सेलेक्ट किया, क्योंकि डेबिट मांग रहा है, कितना किया वो देख लो, अमाउंट है इसका 42,000 रुपये, हमने लिखा 42, एंटर करो, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना, कैश का माध्यम है, तो कैश सेलेक्ट कर लो, और यहाँ लिखो बींग सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, सेव कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैरिटी पे टू सेवानंद आश्रम बाई चेक, हम पे कर रहे हैं चैरिटी, ठीक है, तो हमने चैरिटी बनाया, कितना पे कर रहे हैं उसको देख लो, अमाउंट है इसका अमाउंट 12,000 रुपये, एंटर किया, और क्रेडिट कौन, कैश के माध्यम से हो रहा है क्रेडिट, सॉरी बैंक के माध्यम से हो रहा है, तो आपके पास बैंक पैसा वैसे भी नहीं है ना, बैंक पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम आर्यावर्त बैंक को हम सेलेक्ट करते हैं, और हमने चेक का माध्यम लिया, इंस्टॉलमेंट वगैरह लिख देंगे हम, बींग देखो अमाउंट पेड टू सेवा नन आश्रम, ओके इस तरह से सेव कर लो। ये जब क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद एक और बचेगा, चैरिटी हो गया, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो यहाँ पर
यहाँ पर है कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी 4200 में 4200 का जो बिजली बिल आया उसको भी पे करना है, ठीक है। तो इसको पेमेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल 4200 रुपये, 4200 लिया, एंटर किया। अब किसके माध्यम से कैश का, तो बैंक था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैश बाई कैश है, तो हमने कैश सेलेक्ट किया, एंटर करेंगे। हमने लिखा पेड बिल बाई कैश, सेव कर लो। अब देखो ये पूरा प्रॉब्लम हमारे पास क्लियर हो गया। अब क्या करना है, F4 में चले जाओ, तो आपके पास बैंक में पैसा नहीं था ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, कैश में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है 432,960 रुपये, तो क्या करना, 1,00,000 रुपये या देखो 2,00,000 रुपये बैंक में डाल दो। बैंक में अगर डिपॉजिट करना है कर सकते हो, एंटर करो, आर्यावर्त बैंक में डाल दो पैसा, ठीक है। एंटर किया तो 2,00,000 जैसे डालोगे तो पहले का जो अमाउंट इसके पास था देना था किसी को, ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा। तो अभी आपके पास अकाउंट बचेगा 1,78,000 रुपये, ठीक है ना, सेव कर लो पूरा पूरा। इस तरीके से हम पूरा पूरा काम करते हैं, है ना, ठीक है। अब जो ध्यान देना, अब क्या चीज, मैं आपको स्लिप प्रिंट कर दिखाता हूँ स्लिप कैसे प्रिंट होता है, ठीक है। मैं डीडी प्रेस किया मैंने, देखो यहाँ पे हमारे पास पूरा पूरा काम हो गया। डे बुक ओपन करके हम क्या करेंगे, हम एक एक चीज़ को प्रिंट कर देखेंगे। इसको प्रिंट करो अल्ट के साथ पी, और अल्ट के साथ पी क्या होगा, वाई प्रेस करो, अल्ट के साथ जेड करो। देखो ये स्लिप बन के आ गया फ्रेंड सॉल्यूशन कंपनी का कॉन्ट्रा वाउचर का, ठीक है ना, ये तरीका हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे हमने परचेस किया था, तो परचेस का मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमने परचेस किया था ट्राउजर, अल्ट के साथ पी करो, वाई प्रेस करो, अल्ट के साथ जेड करो। देखो ये पूरा पूरा स्लिप बन के आता है। आप कहीं शॉपिंग मॉल में जॉब करो या किसी भी शॉप पे काम करो, आपको काम करना आ जाएगा, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। बस एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या क्लियर रखना है। देखो ये डिस्क्रिप्शन पर आ गया, ट्राउजर का आ गया, 25,000 का सामान खरीदा गया, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे देखो एक चीज़ ख्याल रखना, हम लोग भी बात करें क्वांटिटी रेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल बात ये हो रही है कि इतने का सामान खरीदा, इसलिए, ठीक है। इन्वेंट्री वाला सेशन मैंने बना के रखा है, आप उस सेशन को जरूर देखिएगा बाद में, अभी नहीं, अभी फिलहाल आप जनरल एंट्री को देखो, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद सब काम करो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो, ओके।